जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटे एक्सरसाइज 9 1.2 ये सेकेंड एक्सरसाइज है आपका नंबर सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको थ्री स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बतानी है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है और करेक्ट क्वेश्चन जस्टिफाई योर आंसर। जो आंसर दोगे ट्रू एंड फॉल्स उसे जस्टिफाई करना है कि आपने जो कह रहे ट्रू है तो ट्रू क्यों है या फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, आपको इसे जस्टिफाई करना है। अब देखो बच्चे पहला क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पार्ट कहते एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है? आपको पता है कि रियल नंबर या तो रेशनल नंबर होता है या तो इरेशनल नंबर होता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों है ना, दोनों क्या कर रहा है इसमें लाई करता है, किसमें? रियल नंबर में। यानी रियल नंबर का दो पार्ट है रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर हो या एवरी इरेशनल नंबर वो क्या होता है? रियल नंबर होता है, है ना? जैसे बताया था ना, जैसे रियल नंबर टेबल बनाया था रियल नंबर, ओके। इसका दो पार्ट है, एक पार्ट है आपका रेशनल है ना, रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर है, ओके। आपका तो एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ओके। देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जस्टिफाई कर देंगे क्या, इसके बारे में क्या बोलेंगे कि सिंस एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर कंटेंस इरेशनल नंबर, रियल नंबर जो है रेशनल नंबर को भी कंटेंट करता है और रियल नंबर इरेशनल नंबर को भी कंटेंट करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? सिंस रियल नंबर कंटेंस इरेशनल नंबर, या आप कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज ए पार्ट ऑफ द रियल नंबर। इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कहते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब क्या? रियल नंबर लाइन। कहते हैं नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होगा, कहते हैं एवरी पॉइंट ऑफ द फॉर्म रूट एम, कहते हैं एवरी पॉइंट रूट एम के फॉर्म में होता है वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कहते हैं एम क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो आपका नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे जो एवरी पॉइंट होता है नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है। ये एम है नेचुरल नंबर, उस पर स्क्वायर रूट है। यानी ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कि नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट है नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप खुद बताओ क्या है। देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका नंबर लाइन है, ओके बच्चे। मान लो यहाँ जीरो है, वन, बहुत सारे पॉइंट है, मान वन टू, मैं नेचुरल नंबर इधर प्लॉट कर रहा हूँ, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। इधर क्या होता है? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन। अब देखे इसके बीच में भी नंबर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है नंबर लाइन पे, वन और टू के बीच में थ्री बाई टू हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो थ्री बाई टू है, ओके। इधर भी हो सकता है,
फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, मैंने इंटीजर को प्लॉट कर दिया, ओके। अब कर रहा है क्या एवरी पॉइंट रूट स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, है ना? ये तो है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले सकते हैं, 3 को 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। बट अब देखो यहाँ 3/2 है, ये भी तो नंबर लाइन का एक पॉइंट है, ओके। तो क्या अगर हम इसे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3/2 है, 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, 9/4 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये आपका कहते स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होना चाहिए, बट 9/4 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, नोट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए कहना गलत है। या इधर ले लो, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखो -2 है या -3 है या मान लो -4 है, तो क्या ये इसका स्क्वायर रूट हम ले ही नहीं सकते हैं, मान लो -4 है, तो क्या ये जो पॉइंट है -4 क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, रूट के अंदर हम निगेटिव ले ही नहीं सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एम नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जिसे नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में -4 को हम लिख ही नहीं सकते हैं, ओके। इसका मतलब ये कहना गलत है कि जितना भी पॉइंट है नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट को हम स्क्वायर रूट ऑफ एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कहना गलत है। ये तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, बट इधर तो निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर रूट हम कैसे ले सकते हैं, है ना? निगेटिव का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, नेचुरल नंबर नहीं सकता। बट पॉजिटिव में भी, जैसे मान लो जो पॉइंट फ्रैक्शन में 3/2, ये भी तो नंबर लाइन का एक पॉइंट है 3/2, हम इसे स्क्वायर रूट में तो लिख सकते हैं, लिख तो दिया है, बट ये जो है 9/4 ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट होनी चाहिए ना। ये करा क्वेश्चन आपका क्या करा, एवरी पॉइंट यानी नंबर लाइन पे जो एवरी पॉइंट है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये कहना गलत है, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉल्स है, लिखेंगे फॉल्स, ओके। रीजन देंगे, ऐसे भी रीजन दे सकते हैं कि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी है, नंबर लाइन पे आपको क्या है नेगेटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट को हम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं, लिख देंगे नेगेटिव जो पॉइंट है या नेगेटिव नंबर can not express in the form a square root of m, where m क्या है, where m is a natural number, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, can not, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कहते एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या ये सही है? देखो मैं टेबल जो बनाया था ये रियल नंबर है, क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर का दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। अगर जैसे 3 है, 3 तो रियल नंबर है, जो नंबर हम लिखते हैं सारे रियल नंबर है, बट 3 इरेशनल नंबर नहीं है, 3 क्या है आपका रेशनल नंबर है, आंसर इसका भी क्या लिखेंगे, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या देंगे बच्चे, थर्ड का रीजन देंगे हम लोग, इसे रीजन दे देंगे, जब क्या लिखेंगे, कोई एग्जांपल ले लो, थर्ड का ले रहा हूँ मैं, कि 3 इज ए रियल नंबर
but 3 is not an irrational number. इसलिए ऐसा कहना कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है गलत है, क्योंकि 3 क्या है, रियल नंबर है, बट 3 आपको क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है, जो 3 को हम लिस्ट 3 का इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है. एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है. ये क्या है आपका 3 क्या है, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है. इसलिए 3 रियल नंबर है बट 3 इरेशनल नंबर नहीं है. देखो ऐसा कहना कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है ये फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है. ठीक है, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई कर दिया. आते क्वेश्चन में सेकेंड देख लो. अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन में सेकेंड कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. यानी ये कह रहा है जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हो नेचुरल नंबर. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के हैं या नेचुरल नंबर, बोथ आर सेम. यानी कहता है पॉजिटिव इंटीजर पर हम अगर स्क्वायर रूट देंगे तो क्या वो सारे इरेशनल नंबर होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, येस और नो. अगर कहता इफ नोट, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे दो कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर नहीं है. देखिए एग्जांपल लेते, आंसर लेते हैं. क्या लिखेंगे इसका, कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर. क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर नहीं होता है. कुछ सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या लिख सकते हैं दैट इज नेचुरल नंबर. यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर. ठीक है, सारे के सारे अगर जितना भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं होगा. ऐसा क्यों, मैंने बताया था पहले, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उस पर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, वो रूट कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा. जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दो. अब हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे आपको 16 क्या है, 16 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं है. क्यों नहीं है, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं. 4 इंटू 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर. अब स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया बच्चे, आ गया 4 आ गया है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है. अब 4 कौन सी नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है. 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 नेचुरल नंबर है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 4/1 यानी इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर के फॉर्म में. ये रेशनल नंबर हो गया, क्या नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर. ठीक है, इसलिए ऐसा कहना कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा, ऐसा कहना गलत है ना. अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अगर ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर होगा. मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जैसे आपका 16 है, 9 है, 4 है, 25, 36,
49 है ना, 81, 64, 100, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस पर स्क्वायर रूट दोगे ये रेशनल नंबर बनेगा, क्या बनेगा, रेशनल नंबर, ये नंबर बनेगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, आर रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर से, चूंकि जिस नंबर पर स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर, 64 को 8 का स्क्वायर है ना, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कौन सी नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। यही था आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पे, सारे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, उस पर हम स्क्वायर रूट देंगे तो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा मेरा, नोट, इरेशनल नंबर नहीं होगा सारे के सारे, कुछ रेशनल होगा कुछ इरेशनल होगा। ओके ठीक है, ओह चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके okay.